हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन विद पॉइंटर वेरिएबल्स। मतलब कि एक पॉइंटर वेरिएबल को दूसरे पॉइंटर वेरिएबल से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि वन पॉइंटर वेरिएबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर प्रोवाइडेड बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू एलिमेंट्स ऑफ द सेम एरे। तो जैसे आज का जो टॉपिक है, हम इसको लिखते हैं से सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन विद पॉइंटर वेरिएबल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक पॉइंटर वेरिएबल को हम दूसरे पॉइंटर वेरिएबल्स में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स जो है सेम एरे के एलिमेंट्स को इंडिकेट करते हो या सेम एरे के एलिमेंट्स के एड्रेस बताते हो। द रिजल्टिंग वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स और बाइट्स सेपरेटिंग द करस्पॉन्डिंग एरे एलिमेंट्स। तो जो रिजल्ट आएगा एक पॉइंटर वेरिएबल में से दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ये बताएगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितनी दूरी पे है। कंडीशन ये है कि दे बोथ द एलिमेंट्स या बोथ द पॉइंटर वेरिएबल बाय विच द एलिमेंट्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बिलोंग्स टू द सेम एरे। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए, अगर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि टू डिफरेंट पॉइंटर वेरिएबल्स पॉइंट टू द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ एन इंटीजर एरे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसके लिए अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हमने लिखा किसे, ये लिखा हमने इंक्लूड stdio.h। उसके बाद फिर हमने यहाँ मेन फंक्शन लिया, फिर हमने यहाँ पे दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर px और py। ये इंटीजर पॉइंटर्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया इंटीजर पॉइंटर्स, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया, तो हमने लिखा स्टैटिक इंटीजर। एरे का नाम मान लीजिए ए और इसके अंदर छह एलिमेंट हैं, ठीक। इसको हमने एलिमेंट भी यहीं पे इनिशियलाइज कर देना है, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दिया। अब जो वेरिएबल है px किसका एड्रेस बता रहा है, पहले एलिमेंट का, तो हमने लिखा %a0, ठीक। py किसका एड्रेस बता रहा है, py बता रहा है लास्ट एलिमेंट का, मतलब a5 का, ठीक है। अब इसमें जब हम ये प्रिंट एफ कराएंगे, सपोज कीजिए हमने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है। फिर हमने लिखा px इज इक्वल टू परसेंटेज एक्स, फिर py इक्वल टू परसेंटेज एक्स, फिर हमने यहाँ लिखा कॉमा, कोट्स क्लोज करके ये लिखा हमने px और ये लिखा हमने py। तो px और py की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद प्रिंट एफ कोर्स क्लोज हमने लगाया /n, ठीक है। py माइनस px, तो यहाँ हमने लिखा py माइनस px इज इक्वल टू, फिर हमने लिखा परसेंटेज x कोर्स क्लोज, और यहाँ पे हमने लिख दिया py माइनस px, और यहाँ पे ये मेन प्रोग्राम क्लोज हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इन पर्टिकुलर द पॉइंटर वेरिएबल px पॉइंट्स टू a0 एंड py पॉइंट्स टू a5। द डिफरेंस बिटवीन py माइनस px शुड बी 5 सिंस a5 इज द फिफ्थ एलिमेंट बियॉन्ड a0। तो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग आउटपुट। तो जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो मान लीजिए इसका जो हमें रिजल्ट आएगा, मान लीजिए हमने कहा एग्जीक्यूशन
यहाँ हमने लाइन खींच दी, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विल गिव फॉलोइंग आउटपुट। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, इसमें आएगा पी एक्स इज इक्वल टू आएगा आपका 52, पी वाई आएगा, पी वाई इज इक्वल टू आएगा 5c, ठीक है, और पी वाई माइनस पी एक्स ये आएगा आपका 5। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि देखिए, इसमें जो प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन है, द फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स दैट द एड्रेस ऑफ A0 इज 52। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है, जैसे ये आपने लिखा ना पी एक्स इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, तो रिजल्ट से क्या पता चल रहा है कि पी एक्स का एड्रेस 52 है। एंड द एड्रेस ऑफ A5, तो पी वाई क्या है, एड्रेस ऑफ A5 है, इसका एड्रेस क्या दिखा रहा है, 5c दिखा रहा है। ठीक, तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हेक्साडेसिमल नंबर इज 10। अब इनका जो डिफरेंस आप निकालेंगे, मान लीजिए आपने हेक्साडेसिमल नंबर है ये 5c में से आप माइनस करेंगे 52 को, ठीक है, तो इसका जो इसका व्हेन कन्वर्टेड टू डेसिमल, जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके इनका माइनस करेंगे, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 10 में, वो आएगा 10 डेसिमल में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन A5 इज स्टोर्ड एट एन एड्रेस विच इज 10 bytes बियॉन्ड द एड्रेस ऑफ A0, तो इसका मतलब 10 का जब एड्रेस है, और हमें मालूम है कि एक इंटीजर जो क्या करता है 2 byte जगह लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A5 जो है वहां पे स्टोर होगा जो 10 byte बियॉन्ड होगा A0 से। ठीक, सिंस ईच इंटीजर क्वांटिटी ऑक्यूपाइज 2 bytes, वी वुड एक्सपेक्ट द डिफरेंस बिटवीन पी वाई एंड पी एक्स टू बी 10/2 इक्वल टू 5। तो इसी वैसे भी अगर हम नॉर्मली देखें, हमें मालूम है कि एक इंटीजर जो है 2 byte जगह घेरता है, तो पी जी अरे A0 और A5 के बीच में तो 5 byte है, अरे 5 इंटीजर है, तो 5 इंटीजर मतलब 5 × 10 byte जगह लेगा, और एक इंटीजर 2 byte लेता है, तो यानी कि 5 का डिफरेंस आएगा। ठीक, तो द सेकेंड लाइन ऑफ आउटपुट कन्फर्म दिस वैल्यू, तो देखिए सेकेंड लाइन जो आ रही है आउटपुट की, वो इस वैल्यू को कन्फर्म कर दे रहा है। तो इस तरह से आप एक पॉइंटर वेरिएबल में से दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों पॉइंटर वेरिएबल सेम एरे के एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि पॉइंटर वेरिएबल्स कैन बी कंपेयर्ड प्रोवाइडेड बोथ वेरिएबल्स आर ऑफ द सेम डाटा टाइप। अब दो पॉइंटर वेरिएबल को हम इसी तरह कंपेयर, जैसे अभी हमने आपको सब्ट्रैक्शन का ये एग्जांपल दिखाया है, इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि दो पॉइंटर वेरिएबल्स को कंपेयर भी किया जा सकता है। उसके में कंडीशन क्या होती है कि बोथ वेरिएबल्स आर ऑफ द सेम डेटा टाइप, जो जो दोनों पॉइंटर वेरिएबल है वो सेम डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक, तो इस पे बेस्ड भी हम प्रोग्राम बना के उसको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दो पॉइंटर वेरिएबल्स में सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है। बस कंडीशन आप याद रखिएगा कि दोनों पॉइंटर वेरिएबल किसी भी एक एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को या दो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो। अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे एरे की एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और एक पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे एरे की रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो बोथ द पॉइंटर वेरिएबल्स शुड रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ ए सिंगल एरे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ठीक, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।